हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल लेंस, द ट्रू सोर्स ऑफ राइट्स इज ड्यूटी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में अपने फंडामेंटल ड्यूटीज का शुरू से लेके अब तक का पूरा सफर डिटेल में समझेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम चार पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एट लास्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। एक्चुअल में 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तब सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स तो थे मगर फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कुछ भी नहीं था। फिर आया इंडिया का वो टाइम जिसको इंडियन पॉलिटिक्स का डार्केस्ट फेज भी कहा जाता है, जो था इंडिया में तीसरी बार लगने वाली इंटरनल इमरजेंसी का टाइम। इंटरनल इमरजेंसी 25 जून 1975, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के एडवाइस पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का यूज़ करते हुए पूरे भारत में रातों रात इमरजेंसी लागू करवा दी थी। 21 मार्च 1977 तक चलने वाला ये 21 मंथ्स का इंडिया का वो नॉन डेमोक्रेटिक पीरियड था जब सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स ख़त्म कर दिए गए थे, प्रेस की फ्रीडम सप्रेस्ड कर दी गई थी, स्टूडेंट्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, अपोजिशन के लीडर्स, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के खुद के वो लीडर्स जो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। एक तरह का मान लीजिए प्री इंडिपेंडेंस एरा ही आ गया था। इसी पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मेजर चेंजेस हुए, जिसमें इंट्रोड्यूस हुई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इमरजेंसी के पीरियड के दौरान गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स तो मिले हैं मगर उन्हें उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता। इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी, जिसके चेयरमैन थे सरदार स्वरण सिंह जी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। सो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया। ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से मेजर चेंजेस लेके आया। इसके अंदर प्रीएम्बल में भी चेंजेस हुए थे, इसी कारण से इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी अमेंडमेंट के अंदर एक चैप्टर बनाया गया, चैप्टर और पार्ट 4A, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है 51A जो बताता है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। अब इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई थी जो थी ए से लेके जे तक। फिर बाद में यानी कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई के। इस तरह से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई। ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी, द ट्रू सोर्स ऑफ राइट्स इज ड्यूटी, मतलब कि हर राइट के एन्जॉयमेंट के पीछे एक ड्यूटी भी होती है। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका घर और आपके घर के आसपास की जगह साफ सुथरी रहे, जो आपका एक राइट भी है, तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने घर का कचरा आसपास ना डालें बल्कि उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर बनी हैं और वो थे, फर्स्ट रिमाइंडर, सिटीजन्स को हमेशा याद रहे कि अगर उनके पास राइट्स हैं एन्जॉय करने को तो ड्यूटीज़ भी हैं निभाने को, और ये हमेशा रिमाइंड कराती रहेंगी कि उनकी जिम्मेदारी है नेशन और दूसरे सिटीजन्स के प्रति। सेकंड, प्रिवेंशन फ्रॉम एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ड्यूटीज़ एक तरह की वार्निंग देती है एंड रोकती है लोगों को एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने को और उन एक्टिविटीज़ में शामिल होने को, जैसे कि फ्लैग बर्न करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना। थर्ड, डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। ड्यूटीज़ इस ऑब्जेक्टिव के साथ भी बताई गई है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट आए नेशन के प्रति और लोग नेशन के गोल में खुद से एक्टिव पार्टिसिपेट करें, ना कि सिर्फ एक दूर बैठ के स्पेक्टेटर की तरह बिहेव करें। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान खाली नगर निगम के अथॉरिटीज़ के स्ट्रिक्ट या एक्टिव होने से सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन, उनकी हैबिट सुधरने से हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। ड्यूटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को साबित करने के लिए। जब भी कोई लॉ लेजिस्लेचर द्वारा पास होकर कोर्ट के सामने आता है और अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी से कनेक्टेड होता है तो वो लॉ एक रीजनेबल लॉ माना जाता है। सो
एक तरीके का बेसिस क्रिएट करती हैं लॉ के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन एनफोर्सेबल होती हैं, यानी कि अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो आप पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब ऐसा करने के कई मेन रीजंस थे, मगर एक मेजर रीज़न ये था कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन तब भी और आज भी इलिटरेट या लेस एजुकेट है, जिनको शायद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता होता। सो इस कारण से इनको नॉन एनफोर्सेबल रखा गया। मगर इसका भी एक सलूशन दिया गया, वो है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन ड्यूटीज़ को एक लॉ बना के एनफोर्सेबल या कंपल्सरी टू कंप्लाई कर सकती है। अब इस पॉइंट को अपन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझते हुए समझेंगे। इसलिए आपके सामने अब कुछ ड्यूटीज़ रेड में लिखी हुई आएंगी एंड कुछ ग्रीन में, जो ये बताएंगी कि कौन सी एनफोर्सेबल है एंड कौन सी नहीं। ये ड्यूटी ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना है एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। अब ये एक खाली ड्यूटी या रिमाइंडर नहीं है, ये ड्यूटी इन्फोर्सेबल है क्योंकि इसके पीछे दो एक्ट्स हैं, द एम्बलम्स एंड नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो ये ड्यूटी फॉलो ना करने पर एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। और यही मेरा ऊपर वाला पॉइंट था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ बना के ड्यूटी को इन्फोर्सेबल कर सकती है एंड कंपल्सरी टू कंप्लाई बना सकती है। बी, वो आइडियल्स को चेरिश एंड फॉलो करना चाहिए जिनके बेसिस पर लोगों ने इंडिया की फ्रीडम के लिए इतना स्ट्रगल किया। अब ये एक मेयर पॉजिटिव इंस्पिरेशन जैसा है जो इन्फोर्सेबल नहीं है एंड जो कहता है दैट यू शुड डू इट। सी, सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए भी वेरियस एक्ट्स हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एंड वेरियस इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस। एंड अगर आपको सोवरेनिटी इंटीग्रिटी जो टर्म्स प्रियम्बल में यूज़ हुए हैं उनके बारे में डिटेल में समझना है तो प्रियम्बल की मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। डी, कंट्री को डिफेंड करना एंड नेशनल सर्विस के लिए बुलाए जाने पर पार्टिसिपेट करना। ई, एक कॉमन ब्रदरहुड के साथ जीना, दूसरे सिटीजन्स रिलीजन लैंग्वेज के प्रति सद्भावना रखना एंड वुमेन की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करना। इसके पीछे भी आईपीसी के वेरियस सेक्शंस हैं, जैसे 354, 376 एक्सेट्रा एंड कई एक्ट जैसे द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है, जो इसे इन्फोर्सेबल बनाते हैं। एफ, अपने हेरिटेज एंड कल्चर को प्रिवेंट एंड प्रिजर्व करना, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तभी लोग शायद अच्छी हेरिटेज साइट्स एंड बिल्डिंग पर अपने नाम और दिल बना के आते हैं। वैसे इस पे भी एक्ट बन जाना चाहिए, कमेंट करके बताएं आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। जी, नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना, साथ ही लिविंग क्रीचर्स के प्रति हमदर्दी रखना। अगर एनवायरनमेंट डैमेज किया तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट 1980, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन वाटर प्रिवेंशन कई एक्ट हैं जो इसे इन्फोर्सेबल बनाते हैं। एच, सिंपल ह्यूमैनिज्म एंड क्यूरियोसिटी डेवलप करना, जिससे लोगों के मन में एजुकेट होने की इच्छा जगे, जैसे इसमें कहा गया है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना एंड वॉयलेंस को छोड़ने के लिए कहा गया है, ये डायरेक्ट करता है आईपीसी के वेरियस सेक्शंस की तरफ जो इस ड्यूटी को मैंडेटरी बनाते हैं फॉलो करने को। जे, नेशन कॉन्स्टेंटली राइज होता रहे, उसके लिए हर फील्ड में लोग एक्सीलेंस एक्वायर करें एंड कलेक्टिव एक्टिविटी के साथ देश का साथ दें। ये ड्यूटी रिलेट करती है 86 अमेंडमेंट से, जब एक फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस हुआ था, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए एंड स्ट्रेट वो एजुकेशन प्रोवाइड कराए। और इसी के लिए एक एक्ट भी पास हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब जैसा कि राइट के साथ एक ड्यूटी भी अट्रैक्ट होती ही है, इसीलिए एक ड्यूटी आई जिसके अंदर पेरेंट्स या गार्जियंस को अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना ज़रूरी है एंड उनकी ये ड्यूटी बनती है। अब सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फर्स्ट, ओरिजिन,
फंडामेंटल ड्यूटीज का एक्चुअल आइडिया इंडिया में यूएसएसआर से लिया गया था। 1976 तक खाली जापान एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास अपने सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज थी। सोशलिस्ट गवर्नमेंट का ये बिलीफ था कि सिटीजन्स के लिए राइट एज वेल एज ड्यूटीज दोनों ज़रूरी हैं। क्रिटिसिज्म, ऐसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सब प्रॉपरली ड्राफ्टेड लगता है, मगर कई मुद्दों पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है। जैसे कई ऐसी ड्यूटीज जो कमिटी ने सजेस्ट करी थी इंक्लूड नहीं करी गई, लाइक ड्यूटी टू वोट इन इलेक्शंस, पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम एक्सेट्रा। एप्लीकेबिलिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जो सिटीजन्स की डेफिनेशन में आते हैं उन्हीं पर अप्लाई होती है, मगर फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में कमेंट्स के नीचे एक और बात कही गई है जो बताती है कि NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में फायरवर्क्स यूज करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये एक मेजर सोर्स है नॉइस एंड एयर पोल्यूशन का, एंड खाली स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करे, बल्कि सिटीजन्स की भी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे फायरवर्क्स बेचने वाले स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। केस रेफरेंस अरुण गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो ये था कंप्लीट आर्टिकल 51A ड्यूटीज पर। लाइक एंड शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताएं आपके क्या थॉट्स हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एंड इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बारे में। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल एंड लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ जिससे आप नोटिफाइड रहेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।